हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांडी पन्नी एजुकेशनल एकेडमी। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा यूनिट 3 है फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी, उसका आधा चैप्टर फिनिश किया था। नाउ जो बाकी का लेसन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग एंड द वाइन हैड रिजन फ्रॉम इट्स अनकर्टेन पब्स इन टू अ स्टेडी ब्लो। द फ्यू पेडेस्ट्रियंस इन द नेबरहुड ह्यूरिड डिसमेली and silently along with coat collars turned high and pocketed hands, and in the door of the hardware store the man who had come a thousand miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and wait. तो वो जो पुलिसमैन था वो वहाँ से चला गया था, उसको गुड नाइट कह के वहाँ तक का हमने देखा था। तो उसके बाद वहाँ पे एकदम से कोल्ड ड्रिजल चल फॉलिंग हो रहा था, यानी कि एकदम ज़्यादा ठंडी हो रही थी, पवन चल रहा था, स्टेडी ब्लो हो रहा था, और जो उसके आसपास के जो लोग थे वो भी अपने अपने चल रहे थे, अलोंग विथ कोट कॉलर स्टर्न हाई एंड पॉकेटेड हैंड्स चल रहे थे वो लोग। और जो दूर था हार्डवेयर का, हार्डवेयर स्टोर का जो दूर था, वहाँ पे वो आदमी जो 1000 मील से आया था अपने फ्रेंड से अपॉइंटमेंट के लिए, वो वहाँ पे खड़ा था, उसके फ्रेंड का वेट कर रहा था और सिगार को स्मोक कर रहा था। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, 20 मिनट बाद देखने के बाद, देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट विथ कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर्स hurried across from the opposite side of the street. He came directly to the waiting man. 20 मिनट तक वेट करने के बाद एकदम टॉल मैन आया ओवरकोट में विथ अ कॉलर टर्न अप हिज ईयर्स, और आके ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऑपोजिट साइड पे वो डायरेक्ट कहाँ पे गया, वो जो मैन वेट कर रहा था उसके पास गया। इज डेट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली, उसने डाउटफुली क्या क्वेश्चन किया कि तुम हो बॉब। Is that you, Jimmy Wells? cried the man in the door. जो दरवाजे पे खड़ा था उसने पूछा कि तुम जिमी वेल्स हो। Bless my heart, exclaimed the new arrival. जो नया आया उसने ऐसे बोला, Bless my heart. यानी कि दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, फ्रेंड्स ने। Grasping both the other's hand with his own, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए, It's Bob, sure as fate. I was certain I will find you here if you were still in existence. Well, 20 years is a long time. The old restaurant's gone. Bob, I wish it had lasted so we could have had another dinner there. How was the waste treated you, old man? वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, कि वो जो जिमी वेल्स है वो बोलता है कि बॉब, मुझे पता था कि मैं तुझे यहाँ पे ढूंढ लूँगा। अच्छा अच्छा, जो 20 इयर्स का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है, जो पुरानी रेस्टोरेंट थी वो चली गई। बॉब, आई विश इट हैड टेस्टेड सो वी कुड हैड अनदर, और जो वो जिमी वेल्स है वो बॉब को कहता है कि काश हम दोनों यहाँ पे वापस से डिनर कर सकते थे। फिर उसको पूछता है कि जो वेस्ट यानी कि जो पश्चिम में है उसको आप पश्चिम में ओल्ड मैन को कैसे ट्रीट किया है। It has given me everything I asked it for. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. कि जो बॉब है वो बॉब क्या कहता है कि मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए, और बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं जिमी तुम में, मैं सोच नहीं सकता था कि तू 2 से 3 इंच तुम बड़े हो गए हो। ओ, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, कि जब मैं 20 साल का था तभी मैं थोड़ा सा बढ़ गया था। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, के न्यूयॉर्क में कैसा चल रहा है जिमी। मॉडरेटली, मध्यम से। आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। कि उसने कहा कि मैं सिटी डिपार्टमेंट में एक पोजिशन पे हूँ, चलो बॉब हम दोनों इस जगह पे, ये प्लेस पे चलते हैं, और जो हमारा लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम का, जो हमारा ओल्ड टाइम की जो हमारी बातें हैं उसको हम करते हैं। The two men started up the street arm in arm. One, his ego dream engulfed by success, was beginning to outline the history of his career.
द अदर शम्बेड इन हिज ओवरकोट लिशन विथ इंटरेस्ट, कि दोनों स्ट्रीट पे चलने लगे हाथ में हाथ लेके, और जो ईगोज़ यानी कि जो अभिमानी है, जो जिसने सक्सेस ली हुई है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करता है, जो दूसरा जो ओवरकोट में है वो इंटरेस्ट से उसकी बातें सुन रहा है। तो यहाँ तक का हमने स्टडी किया, बाकी का जो लेसन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।